वेलकम टू द करंट पॉइंट। आज 6 नवंबर 2019 से जितने भी करंट क्वेश्चन बनेंगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में लैंड एंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई थिंक LPAI के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस बार आदित्य मिश्रा को न्यू चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी आदित्य मिश्रा को हाल ही में लैंड एंड पोर्टल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे 1989 बैच के UP कैडर के IPS अधिकारी थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश में बेरोजगारी दर पिछले 3 सालों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है? तो इस बार भारत की बेरोजगारी दर उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही होगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सरकारी बेरोजगारी दर के अनुसार शहर की बेरोजगारी दर 8.9% और ग्रामीण बेरोजगारी दर अक्टूबर 2019 के अकॉर्डिंग 8.5% हो गई है। यह अगस्त 2016 के तुलना में उच्चतम स्तर प्राप्त कर ली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही होगा। अब भारत की राजधानी नई दिल्ली, इसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मुद्रा रुपया। अब वर्ल्ड मैप में आपको इंडिया इस जगह मिलेगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत काम करने वाले प्रशिक्षण महानिदेशालय ने किस प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी के साथ मिलकर स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है? तो इस बार IBM इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सी क्वेश्चन आंसर होगा। स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई से कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इस बार एशियाई विकास बैंक द्वारा चेन्नई से कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के विकास के लिए $451 मिलियन लगभग 3200 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में व्यापार नीति पर सुसज्जित एस बल्ला की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह ने सरकार को किस बॉन्ड को जारी करने का सुझाव दिया है? तो इस बार एलिफेंट बॉन्ड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एलिफेंट बॉन्ड किसी राष्ट्र द्वारा जारी 25 वर्ष सॉवरेन बॉन्ड होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 15 वर्ष से पुरानी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जितने भी सरकारी वाहन हैं बिहार में, उस पर बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए 15 वर्ष से अधिक पुरानी सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध की घोषणा की है। हाल ही में जारी भारत के टॉप 10 पॉल्यूशन शहर में पटना भी शामिल था, जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया।
अब बिहार, तो बिहार की राजधानी पटना, इसके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। आप इंडिया के मैप में बिहार आपको इस जगह पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में त्वांग महोत्सव संपन्न हुआ? तो इस बार त्वांग महोत्सव अरुणाचलम प्रदेश में संपन्न हुआ। यह अरुणाचल प्रदेश का एक वरिष्ठ वार्षिक उत्सव उत्सव है। इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। महोत्सव का मुख्य आकर्षक यान नृत्य और लामू नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने बैंकॉक में दुनिया कि सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौता क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में शामिल होने का फैसला लिया है? तो इस बार अपना देश भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुद्दों पर सही समाधान नहीं दिखने पर इस समझौते से बाहर रहना ही बेहतर समझा है। RCEP क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी एक व्यापार समझौता है। इस समझौते से व्यापार टैक्स नहीं लगता है, या लगता भी है तो बहुत ही कम होती है। तो भारत, भारत की राजधानी, अगेन द रिपीट सेम थिंग, भारत की राजधानी नई दिल्ली एंड PM नरेंद्र मोदी, मुद्रा रुपया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व सुमानी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? विश्व में सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। थैंक यू।